हेलो बच्चों, आज मैं आपको स्वर पढ़ाऊंगी। हिंदी के जो वर्ड होते हैं, हिंदी में जो हम लोग छोटा आ बड़ा आ पढ़ते हैं, उसको मैं आज आपको बताती हूँ। ठीक है, तो जो छोटे आ से और आहा तक हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग स्वर बोलते हैं। ठीक है, और फिर का से कबूतर, ऐसे जो पढ़ते हैं वो होते हैं सारे व्यंजन। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताए थे, इंग्लिश ग्रामर में आपको बताया था ना, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवल्स जो मैंने आपको बताए थे, 5 वॉवल्स होते हैं, याद है आपको बताया था ना। तो ऐसे ही हिंदी में जो वर्णमाला होती है, जैसे हम लोग इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ऐसे ही हिंदी में जब हम छोटा आ बड़ा आ पढ़ते हैं, तो वो होते हैं सारा वर्णमाला होती है। ठीक है, और जो हम लोग छोटे आ से आहा तक पढ़ते हैं, वो होते हैं स्वर। तो आज मैं आपको स्वर बताती हूँ। ठीक है, तो सब लोग, आप लोग बोलना मेरे साथ, बोलो छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ए ओ ओ अंग आहा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको राइमिंग में कैसे पढ़ेंगे। आ आ इ ई उ उ ए ऐ ओ अं आहा। आ आ इ ई उ उ ए ऐ ओ अं आहा। आ से अनार, आ से आम, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, फिर री, री से ऋषि, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औजार, ओ से ओखली, ओ से औजार, अंग से अंगूर आहा खाली, अंग से अंगूर आहा खाली। तो ऐसे आप लोग इसको राइमिंग में पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको जैसे लर्न होता है आप लोग वैसे लर्न करना। ठीक है, आपको राइमिंग में अच्छा लग रहा है, आप राइमिंग में पढ़ना, आपको ऐसे आ आ ई ई ऐसे सिंपल पढ़ना है, छोटा आ बड़ा आ ऐसे पढ़ना है आप लोग ऐसे। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आपको सारे स्वर जो मैंने छोटे आ से आहा तक पढ़ाए हैं, उसको आप अच्छे से लर्न करना, फिर मैं आपको छोटा बड़ा भी लिखना सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए, आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में